गुजारा, जिनको देखते हुए घर में देखते हुए पिताजी के साथ देखते हुए बचपन से धीरे धीरे बड़ा हुआ। अब कई गार्जियन ऐसे हैं जिनको मैं शाम में या कभी भी हमारे गुरुदेव प्रतिदिन शाम में हंसते हुए आते थे और आप जब इच्छा हो आते थे, आप जब इच्छा हो आते थे। मैं किन किन का नाम लूं? मेरे लिए इतना ही काम होता था चाय लाना, पानी पिलाना, बाकी मैं अपने काम में लग जाता था। मेरे तो पिताजी थे, मैं इनके लिए कुछ भी कहूंगा तो लगेगा कि बेटे ने कहा। ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, आप सभी गार्जियन उपस्थित हैं, सारे उनके छात्र उपस्थित हैं, सारे शिष्य उपस्थित हैं, ये उनकी जिम्मेवारी होगी कि इनके बारे में क्या भावना उन लोगों की रही या थी या है। मुझे जीवन के अंतिम 61 दिन मुझे सेवा करने का मौका मिला। मित्रों, बाकी तो मेरे भैया ने इसको संभाला था। उस 61 दिन की पीड़ा, जिसको लोग पीड़ा कहते हैं, मैं पीड़ा नहीं, अपना सौभाग्य समझता हूं कि मुझे 61 दिन मिले। अब लगता है कि मुझे वो कम दिन मिले। मैं उस क्षण को कैसे जिया, मिनट मिनट में कैसे उसको गुजारा, ये मेरे लिए मैं सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरे साथ रहने वाली मेरी माँ समझ सकती थी। माँ कभी उनकी तरफ नजर डालती थी, कभी मेरे तरफ। माँ इस उम्र में थी कि वो कुछ कह नहीं पाती थी। पिताजी पता नहीं उनको क्या हो गया था, जीवन के अंतिम काल में उन्होंने बोलना छोड़ दिया था। लेकिन एक चीज मुझे अभी भी याद है, हमेशा कागज और कलम मांगते थे, पता नहीं क्यों मांगते थे, लिखना चाहते थे लेकिन वो लिख नहीं पाते थे। मुझे याद है 1 फरवरी को जो वो अपना नाम लिखने का प्रयास किए, उसको मैं संग्रहालय की तरह अपने साथ समेट के रखा हूँ। मेरे जीवन में जितने भी पहले के जो भी छन रहे हों, लेकिन इस 61 दिन की जो छाया रही है उनकी, अब तो लगता है जैसे आसमान के नीचे सीधे मैं आ गया हूँ। अब मेरे ऊपर से छतरी हट गई है, मेरे ऊपर से छत हट गई है, अब वो छत नहीं रही, सिर्फ आसमान है और नीचे मैं हूँ, अब मुझे ही झेलना है। मैं इनके बारे में क्या कहूँ, ऐसा लगता है क्योंकि मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। मैं तो जो यहाँ से 84 में गया तो गया, बाकी तो इनके साथ आप लोगों ने दिया है। आपका स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिलेगा, आपका सहयोग आगे भी मिलेगा, और बड़े भाई बाप या जिस रूप में भी जो लोग हैं, अब आप लोगों से मेरी उम्मीद टिकी रहेगी। मेरी भी एक इच्छा रहेगी कि मैं अपने स्तर से कहीं भी आप लोग का जो आदेश होगा, जैसे भी होगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अभी यहाँ आए बहुत लोगों ने अपनी भावना रखी, मैं उससे अलग नहीं हूं, क्योंकि जो भी उन लोगों की जैसी जिनकी भावना रही है वो उनकी भावना रही है, मैं उनमें बीच में आने वाला होता कौन हूं। एक क्योंकि आप लोग सभी ने कहा कि इस महान विभूति को ऐसे करना है वैसे करना है, तो मेरी इसी मत से एक दरखास्त होगी कि जिस स्कूल के साथ साथ इस इलाके के लिए उन्होंने जीवन जिया, मैं तो अपना बचपन भी यहाँ रहता था तो मुझे पता नहीं चलता था कि मेरे बाप हैं या स्कूल के हेडमास्टर हैं या क्षेत्र के गार्जियन या क्षेत्र के दोस्त हैं। 3 रात एक ही बात, तो मेरी ये मांग होगी या मेरी इच्छा होगी या मेरी ऐसी भावना है कि अगर आप लोग का समर्थन या सहयोग रहे या आदेश करे, तो इनकी एक मूर्ति का अनावरण विद्यालय कैंपस में होता तो मुझे बहुत खुशी होगी। जैसा आप लोग कहेंगे, जैसा समर्थन करेंगे या जो भी कहेंगे, इसके लिए सिर्फ आप लोग का हाँ भर काफी होगा, बाकी मैं
जो भी होगा अपने तरफ से पूरा करूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं एक बार सभी लोगों का आभार नहीं व्यक्त कर रहा हूँ यहाँ आने के लिए, क्योंकि आप लोग मेरे लिए नहीं आए हैं, इनके लिए आए हैं। मैं तो आपसे भी निचले स्तर का आदमी हूँ, क्योंकि आप इनके लिए आप मेरे से ऊपर हैं। बेटा मैं जरूर हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी पूरी जिंदगी जीवन के 55 साल यहाँ गुजारा है, और 55 साल तो मेरी उम्र है। इसलिए हमसे ज़्यादा श्रद्धा स्नेह आशीर्वाद या जैसे भी हो, ये आप लोगों ने इनके लिए रखा है, आप लोगों ने इनके लिए पाला है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप लोगों से ये निवेदन करते हुए कि मेरी बातें जो हमने कही उस पर ध्यान देते हुए आप लोग अपने तरफ से सहयोग और आशीर्वाद दें। धन्यवाद।